गुड मॉर्निंग क्लास वन, ओपन योर ग्रामर बुक पेज नंबर 32। टुडे वी हैव टू डू एक्सरसाइज एफ। ओके बेटा, व्हाट हैव यू टू डू, क्या करना है आपको, इसको देखिए। रीड द सेंटेंसेस एंड चेंज दीज टू दिस एंड दोज टू दैट। जहाँ पे दीज लिखा है उसको दिस में चेंज करना है, और जहां पे दोस लिखा है उसको चेंज करना है दैट। लेकिन जब आप दीज को दिस करेंगे, दोस को दैट करेंगे, तो कुछ और भी चेंजेस होंगे। आर को भी चेंज करके इज करना होगा, ठीक है। चलिए देखा जाए, ये दोस है, दोज को किस में चेंज करना है, दैट में। तो चलिए पहले दैट लिख लीजिए। जब दोज को दैट कर दिए तो आर का हो जाएगा इज, दैट इज। अब मंकीज है, तो जब दैट इज हो गया तो एक ही मंकी लिखना पड़ेगा आपको, तो कैसे लिखेंगे, दैट इज अ मंकी। जब मंकी जो है, मंकीज का मंकी हो गया तो अ मंकी, दैट इज अ मंकी। थोड़ा मीनिंग भी समझिए, दोज आर मंकीज यानी वे मंकीज हैं, दैट इज अ मंकी वह एक मंकी है। यही कहा गया था कि दोस्त को दैट में चेंज करिए, दोस्त को दैट में चेंज कर दिया। लेकिन जब दोस्त को दैट में चेंज किया तो आर को इज में चेंज करना होगा, और मंकीज है तो इसको मंकी करना होगा, क्योंकि एक ही मंकी के लिए दैट लगेगा। तो ये एस हटा के मंकी तो कर दिया, लेकिन अ भी लगाना पड़ेगा, दैट इज अ मंकी, वह एक मंकी है। अब है दोज आर कैलेंडर्स, तो दोज को किस में चेंज करना है, दैट में। तो चलिए दैट पहले कर दें, आर की जगह इज हो जाएगा, अभी हमने बताया। कैलेंडर्स में से एस हट जाएगा, अ लग जाएगा यहाँ पे, दैट इज अ कैलेंडर, वह एक कैलेंडर है। पहले था दोज आर कैलेंडर्स, वे कैलेंडर्स हैं। फिर जब हमने दोस्त को दैट किया तो इसके साथ इज आया, तो दैट इज अ कैलेंडर, वह एक कैलेंडर है। अब देखिए आगे, दीज आर माई कॉपीज, ये मेरी कॉपीज हैं। तो दीज को किस में चेंज करना है, दिस में, ठीक है। तो दीज चेंज हो गया दिस में, दिस, आर की जगह इज, दिस इज माई। अब कॉपीज की जगह कर देना पड़ेगा कॉपी, यहाँ पर माई है इसलिए ए लगाने की ज़रूरत नहीं है, माई कॉपी, कॉपीज का कॉपी, क्योंकि कॉपीज तब करते हैं जब एक से ज़्यादा होती हैं, दीज का यूज़ होता है, दिस का यूज़ तो एक ही कॉपी के लिए होगा, इसलिए दिस इज माई कॉपी। अब है दोज आर पिजन्स, तो दोज की जगह क्या करना है आपको, दोज की जगह दैट करना है, तो आप दैट कर दीजिए, दैट, आर की जगह इज हो जाएगा, दैट इज पिजन्स है, एक से ज़्यादा कबूतर हैं इसलिए पिजन्स है, तो दैट के साथ एक ही कबूतर आएगा, दैट इज अ पिजन, ठीक है बेटा। और लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगता है, सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाया करिए, ठीक है। तो एक बार रीडिंग करेंगे हम लोग स्टार्टिंग से। बोलिए, दीज आर माई बाइसिकल्स, दीज का दिस कर दिया गया, दिस इज माई बाइसिकल। दोज आर मंकीज, दोज का दैट किया, दैट इज अ मंकी, दिस और दैट के साथ इज आता है, दीज और दोज के साथ आर आता है। दोज आर कैलेंडर्स, दैट इज अ कैलेंडर, अ
और क्यों लगा दिया? क्योंकि कैलेंडर का एस हटा, एक ही कैलेंडर है तो अ कैलेंडर। दीज आर माई कॉपीज, दिस इज माई कॉपी। दोज आर पिजियंस, दैट इज अ पिजियन। बुक में ये वर्क आपको कंप्लीट करना है, ये आपका होमवर्क है। ओके बेटा, थैंक यू।